सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता यार, सब्सक्राइब के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरा फ्यूचर के वीडियो अपडेट हो जाए। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप थ्रू आप अपना एप्स किसी आपके फ्रेंड को कैसे भेज सकते हैं। सो एनी फर्दर ड्यूस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको किसको भी अपना मोबाइल थ्रू एप्स भेजना है, एंड्रॉयड एप्स भेजना है, तो वो सिंपल स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी चीज़ का ऐप सेंड करना, जैसे कि मैं अभी एक मेरा फ्रेंड को सेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन देखने गए तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एपीके या ऐप्स थ्रू किसी ऐप को सेंड करें। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपना फाइल एक्सप्लोजर में जाना पड़ेगा, वहाँ से वो फाइल का जो आपका ऐप है उसको रीनेम करना पड़ेगा। आप वहाँ से सेंड करना चाहते हो भी आपको फेसबुक मैसेंजर कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो एपीके फाइल है। अगर टीएक्सटी फाइल होता तो वो ऑलरेडी सेंड हो जाता था। तो आपको करना ये है कि आपका जो ऐप है उसे रीनेम करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, आप उसे सिंपली रिप्लेस थ्रू एपीके टू टीएक्सटी करना है, जो है टेक्स्ट के फीड में वो सेव हो जाएगा। तो वैसे करने से आप किसी भी तरीके से आप उसे सेंड कर सकते हो और वहाँ से वो रिसीव हो सकता है। नॉर्मली आपके यहाँ से एपीके सेंड नहीं होता, तो ये बेटर आइडिया है कि आप वहाँ से डायरेक्ट टीएक्सटी फाइल ही सेंड करें और जो रिसीवर है वो फिर से उसको एपीके करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि टीएक्सटी फाइल होने के बाद आप सेंड कैसे ही प्रेस करोगे आपको व्हाट्सअप मैसेंजर सब दिख जाएगा। तो अभी मैं आप यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो ये सेंड होने तक हम इसका वेट करेंगे। तो आप इस तरह किसी भी ऐप्स, चाहे वो कौन सा भी गेमिंग हो या कुछ भी हो, आप सेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको चेंज करना है उसका लास्ट जो नंबर है वो चेंज करना है। तो जैसे कि अभी मैं आपको मेरा और एक व्हाट्सएप से रिसीव हुआ वाला दिखा देता हूँ। तो जैसे ये रिसीव हुआ, मैंने उसको डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड करने के बाद वो व्हाट्सएप में जो फाइल्स है उसमें वो सेव हो जाएगा। तो मुझे अभी करना ये है कि वहाँ से उससे जाके रीनेम करना है ताकि वो टेक्स्ट फाइल से फिर से एपीके फाइल बन जाए। तो आप देख सकते हो कि ये टेस्ट में ही ओपन हो रहा है। तो सिंपल सा एक इंटरफेस है जहाँ आप सेम, अगर आपके पास फाइल एक्सप्लोजर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना रीनेम नहीं होगा वो। तो इसे सिंपली टैप करके रीनेम कीजिए .apk। जैसे ही रीनेम हो जाएगा, आप ओके प्रेस करते ही वो अपना ओरिजिनल जो आइकॉन सेटअप है उसके साथ आ जाएगा। तो आप उसे टैप करके इंस्टॉल भी कर सकते हो और आप गेम भी खेल सकते हो। जैसे कि अगर आपको मॉडर्न कंफर्ट का कोई भी लिंक सेंड करना है, सेम वैसे ही करके आपको एपीके सेटअप अलग करके फिर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। हाय एवरीवन, आशा करी तुम्हारे वीडियो खूब भालो लगे। आरो भालो भालो वीडियो देखार जन्य अवश्य सब्सक्राइब करते भूलो ना, ए बटने लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करो। एंड प्लीज कीप वाचिंग।